हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में सरकार के द्वारा दो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ही आगे मिलने वाला है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे दो निर्णय लिए गए हैं जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। और जब निफ्टी में गिरावट देखी जा रही थी और कल भी इसमें लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी, तो इस कंपनी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए लगभग 5% का जो है तेज़ी दिखाते हुए आगे बढ़ी थी। और साथ ही साथ जब पिछले दिन जब मार्केट में तेज़ी आई थी, तो उस दिन इसमें 10% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। तो हम इस वीडियो में उस दोनों न्यूज जो निकल के सामने आई हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उसके थ्रू इस कंपनी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 अप्लाई फॉर द सब्सिडी एंड बेनिफिट, अर्थात जो गवर्नमेंट है वो 14 मार्च को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दी थी। और ये जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल जो फेम टू योजना चला रही थी, वो फिलहाल उसकी जो वैलिडिटी है उसका जो टर्म है वो फिलहाल 31 मार्च को समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद एक और नई स्कीम लॉन्च होते हुए दिखाई दे रही है, जिसका नाम ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम रखे हुए हैं, जिसे EMPS 2024 कहा जा रहा है। तो इसके बारे में चलिए हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है और इसके बारे में क्या कुछ और बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट विल द न्यू इनिशिएटिव टू इनकरेज द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू एंड थ्री व्हीलर्स, अर्थात एक नई इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रही है जो कि जो ईवी बाइक हैं जिसमें टू व्हीलर और थ्री व्हीलर शामिल हैं उनको ये प्रमोट करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस द 500 करोड़ विल बी सेट द इनसाइड ऑफ EMPS स्कीम, अर्थात 500 करोड़ EMPS स्कीम में ये फिलहाल 2024 के लिए घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है। और आगे ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है ये आगे 4 मंथ के होने वाला है, अर्थात 1 अप्रैल से लेके और ये जुलाई तक चलता हुआ दिखाई देगा, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो 1 अप्रैल से को ओपन होगा और जुलाई 2024 तक चलता हुआ दिखाई देगा और ये मुख्य रूप से 4 महीने का होता हुआ दिखाई देने वाला है। और ये 4 महीने का इसलिए लाया गया है क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कि अभी अंतरिम बजट की घोषणा करी गई है और अंतरिम बजट तब आता है जब जिस साल लोकसभा के चुनाव यानी आम चुनाव होने वाले होते हैं, तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की भी घोषणा करता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए ये जो स्कीम है वो मात्र और मात्र 4 महीने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जैसे ही नई सरकार गठन होगा, हो सकता है आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये स्कीम का दायरा बढ़ाया जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो स्कीम का नाम बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम बताया जा रहा है, और ये जो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो 13 मार्च को ये लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है बूस्ट करने वाली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेल्स को, और ये इसका जो मोड होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है। और इसके बेनिफिशियरी की बात करें तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और ईवीज ई रिक्शा को ये फिलहाल बेनिफिशियरी प्रदान करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा जो बजट एलोकेशन है वो 500 करोड़ का होने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल टू व्हीकल में एक तरीके से मार्केट लीडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में अभी सब जब सेल्स आंकड़े आए थे तो उसमें दिखाया गया था इस कंपनी ने अपने लगभग 1 लाख+ जो है टू व्हीकल्स बेचते हुए नजर आई थी। और इसके अलावा और इसका जो ब्रांड है जो ई बाइक जो कि टू व्हीलर का ब्रांड है वो फिलहाल बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अभी जब ग्लोबल समिट हुआ था तो उसमें इस कंपनी ने जो ई रिक के नाम से थ्री व्हीलर्स ई रिक्शा भी पेश करते हुए नजर आई थी, और उसके कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को जो इनिशिएटिव मिलने वाला है 500 करोड़ का, उसमें इस कंपनी का नाम बहुत तेज़ी से आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो थ्री व्हीलर सेगमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। आगे हैं भी ये बता रहे हैं कि यह EMPS जो स्कीम 13 मार्च को लॉन्च की है उसके पीछे जो मेन कारण ये है कि जो फेम सेकेंड अभी प्रोग्राम लॉन्च किया
गया था, जिसमें फरवरी 2024 में इसका जो टोटल इंसेंटिव जो बढ़ा के 10,000 से 11,500 किया गया था, वो फिलहाल 31 मार्च को समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए फिलहाल ये नई स्कीम ये गवर्नमेंट लाते हुए दिखाई दे रही है। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 500 करोड़ का जो इंसेंटिव ये देने वाली है, सब्सिडी जो देने वाली है, उसमें ये लगभग 4 लाख T2 व्हीकल्स और E3 व्हीकल्स में ये सब्सिडी ये प्रदान करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर बात करें अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू ईवी पॉलिसी जो एक गवर्नमेंट लॉन्च करते हुए नजर आ रही है, और इसमें ये बताया जाए कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में बजेगा भारत का डंका। सरकार ने नई ई वाहन नीति को मंजूरी दी, अर्थात ये नई ई वाहन जो पॉलिसी है उसे ये सरकार मंजूरी देते हुए नजर आ रही है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये उठाते हुए नजर आ रही है, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए ये नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को इस जो गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। और ये जो मंजूरी दिए गए है उसमें बताया गया है कि नई नीति के तहत अब देश में जो भी कंपनियां न्यूनतम 4150 करोड़ का निवेश करके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण के लिए प्लांट लगाएगी, उसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में 25% स्थानीय रूप से निर्मित कंपोनेंट का इस्तेमाल भी करना होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी कंपनी भारत में 4150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देगी ईवी क्षेत्र में और प्लांट लगाते हुए दिखाई देगी, उसे 25% जो खरीदारी करनी होगी वो भारत से ही करनी होगी। और इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जो कंपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दिखाई देगी उन्हें $35,000 और उससे अधिक के कीमत पर कारों पर जो 15% का आयात शुल्क लगता है वो फिलहाल कम करते हुए ये दिखाई देंगे, और प्रति वर्ष ये 8,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को आयात करने की भी मंजूरी यहाँ से मिलती हुए दिखाई देगी। और चूंकि आप जानते हैं कि भारत आयातित कारों पर उनके मूल्य के आधार पर 70% से लेके 100% का जो है आयात शुल्क लगाता हुआ दिखाई देता है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये इनिशिएटिव लागू करने के लिए जो भी कंपनियाँ आगे आएंगी उन्हें 15% की छूट आयात शुल्क में मिलता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि आप जानते हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल एक नया प्लांट अभी लगाता हुआ दिखाई दिया है झारखंड में, और चूंकि ये 2 व्हीकल्स और 3 व्हीकल्स में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ये कंपनी फोर व्हीलर में एंट्री लेते हुए दिखाई देगी, आप देखेंगे कि इस कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। आगे बता रहे हैं कि ये जो मेक इन इंडिया पहल के तहत ऐसी ये स्कीम लेके आई जा रही है, और इसमें जो इंपोर्ट किए जा सकने वाले वाहनों में जो छूट प्रदान की गई है पीएलआई प्रोत्साहन स्कीम के तहत 6484 करोड़ रुपए या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर जो भी निवेश होगा उस वो तक यहां पे सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 4150 करोड़ का जो न्यूनतम रखा गया है मानक, उसके ऊपर की कोई सीमा नहीं है, अर्थात 4150 करोड़ से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस प्लांट लगा सकते हैं इतने इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन इससे नीचे आप प्लांट इन्वेस्टमेंट करके नहीं लगा सकते। अगर लगाते भी हैं तो आपको इससे संबंधित इंसेंटिव जो मिलना है वो फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई देने वाला है। क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले जो भी कंपनियां होंगी उन्हें 3 वर्ष का समय दिया जाएगा, और ई वाहनों का वाणिज्यिक और अधिकतम 5 वर्षों के लिए 50% घरेलू जो है मूल्यवर्धन अर्थात जिसे DVA के नाम से कहा जा रहा है वो वहाँ तक पहुँचना होगा। इसके अलावा यहाँ ये बता रहे हैं कि तीसरे साल तक अपने उत्पाद में 25% जो और पाँचवें साल तक 50% ये स्थानीयकरण को हासिल करना अनिवार्य होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले 3 साल तक 25% माल जो है देसी कंपनियों से खरीदना होगा, उसके बाद जो अगले 5 सालों तक ये 50% जो स्थानीयकरण को बढ़ावा देना होगा, अर्थात जो देसी कंपनियां होंगी उनसे ये माल खरीदना होगा। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जो कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन रूप में आने वाली $35,000 उससे महंगी वाली जो भी गाड़ियां होंगी उन पे जो सीमा शुल्क होगा वो 5 साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा, और इस दौरान कंपनी को साल की अवधि के भीतर ही प्लांट लगाना होगा, अर्थात 5 साल के अंदर ही प्लांट लगाना होगा, तभी उन्हें जो 15% का रियायत मिलेगा आयात शुल्क पे, वो प्रतिवर्ष 8,000 यूनिट की दर से अधिकतम 40,000 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की आयात करने की अनुमति होगी 5 साल में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो सरकार
सरकार है पूरा एक प्लान लेके आई है, नई ईवी पॉलिसी लेके आई है, जिसमें न केवल विदेशी कंपनियों को फायदा होने वाला है बल्कि जो देसी कंपनियां हैं उन्हें भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं कि अभी जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो शेयर है वो फिलहाल गुजरात सरकार से एक बहुत बड़ा समझौता करता हुआ दिखाई दिया था, वो समझौता ये था कि ये ईवी क्षेत्र में एक कंपोनेंट जो भी लगते हैं उसको भी एक कंपनी बनाते हुए नजर आने वाली थी, और अभी ये झारखंड में भी एक प्लांट लगाता हुआ नजर आया है और उसका निर्माण अब कार्य अब शुरू होने वाला है। तो इससे न केवल इस कंपनी को फायदा मिलने वाला है क्योंकि इसमें 25% से लेकर 50% जो कंपोनेंट लगने वाले हैं वो फिलहाल देसी कंपनियों के थ्रू ही ये कंपोनेंट प्रोवाइड होने वाले हैं, जिसमें वार्ड विजार्ड जो इनोवेशन लिमिटेड शेयर है उसे अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए जो भी शेयर होल्डर हैं इस कंपनी पे थोड़ा वॉच बना के रखिएगा और इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इस कंपनी के बारे में पूरा कोई भी निर्णय लेने का सोचिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना देखी जा रही है। हम अगर बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो जैसे ही ये न्यूज निकल के सामने आई तो उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले दो दिनों में ही लगभग 14% की तेजी देखी जा रही है और कल 15 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ था तो इसमें 4% की तेजी देखी गई और उससे पहले इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। और चूंकि आप जानते हैं कि जब कल मार्केट बंद हुआ है तो इसमें मतलब 150 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखी गई है, उसके बावजूद भी इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो कंपनी है एक समय 85 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी हुआ तो ये कंपनी फिलहाल लगभग 55 से लेकर 58 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई कुछ दिन पहले दी थी और अब ये 63 रुपये पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5.5% की गिरावट देखी जा रही है, 1 महीने में 14.5% की, 6 महीने की बात करें तो 52% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो 12.5% का पॉजिटिव रिटर्न। वहीं अगर हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 25 से 26% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो आप ये यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी लिस्ट हुई थी 7.80 रुपये 2019 में, तब से लेके अभी तक ये 708% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 5 से 6 सालों में ही। और ये जिस तरीके से ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है इसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे जिस प्रकार से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये जो कंपनी फिलहाल 63 रुपये पे दिखाई दे रही है आने वाले समय में आपको 100 रुपये के पार भी जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा जो EMPS योजना लाई गई है 2024 की उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी है। और इसके अलावा जो नई ईवी पॉलिसी आई है उसका भी फायदा इसे और अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। 15 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ है तो इसमें कितनी ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड हुई है और कितना डिलीवरी उठाया है गया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17.5 से 18 लाख शेयरों की इसमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 9 लाख के आसपास जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जितना ट्रेडर हावी होते हुए दिखाई दिए थे उतना ही इन्वेस्टर भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न केवल ट्रेडर इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए थे बल्कि जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।